आप सही कह रहे हैं भाई साहब, महेश की जो वसीयत सबने देखी है वो वसीयत नकली है। असली वसीयत कहाँ है किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो वसीयत मेरे पास है, ये आप साबित कैसे करेंगे भाई साहब? इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप जाएं और वो असली वसीयत ढूंढकर मेरे पास आए। जाइए, वसीयत ढूंढकर लेके आइए। मुझे वो वसीयत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अमन और अश्मित को सब कुछ सच सच बता दूंगा, और वो जब सवाल पूछेंगे तो तुम्हें तो जवाब देना ही पड़ेगा। कौन? अमन और अश्मित मुझसे सवाल करेंगे? भाई साहब आप भूल रहे हैं, मैं महेश भाई साहब की वो बहन हूं जिसने अपनी सारी जिंदगी सैक्रिफाइस की है उनके 3 अनाथ बच्चों को पालने के लिए। सच चुप नहीं रह सकता। सच और हक बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, आपको शोभा नहीं देते। आप जाइए भाई साहब, जाइए और आपको जो करना है कीजिए। आपको अमन और अश्मित को बताना है असली वसीयत के बारे में, बता दीजिए। अब अंजलि को भी बता दीजिए कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। जो करना है कीजिए, जाइए। लेकिन एक मिनट, आदिरा की तरफ से ये तोहफा तो लेके जाइए। खास नहीं है, आपका टर्मिनेशन लेटर है। इसमें लिखा है कि मैं आदिरा धनराजगिर आपको धनराजगिर ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक डायरेक्टर की कुर्सी से हटा रही हूं। नो बंगला, नो गाड़ी, और आप सड़क पे आ जाएंगे। रिचर्ड। मैडम। रिचर्ड, देखो भाई साहब की तबीयत अचानक खराब होने लगी है, इन्हें ऑटो में बिठाओ, और हाँ, ऑटो का किराया भी दे देना। कंगाली में जुआ नहीं खेलते भाई साहब। अथीरा वो। गुड नाइट। तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे हेमचंद, तुम अपनी बहन को अच्छी तरह से जानते हो। आग कैसे भी लगे हेमचंद, चलोगे सिर्फ तुम, मैं नहीं। ये तो अवनी की सोनोग्राफिक रिपोर्ट है, ये मेरे पास कैसे रह गई?
चुपके से क्या देख रहे थे? और तुम अकेले क्या बात कर रही थी? अरे तुम तो शर्माने लग गई। पहली बार मिले थे तब तो नहीं शर्माई थी, अब क्या हो गया? क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। What? दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। कौन है वो? आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे है जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अच्छा तो तुम्हारे खिले चेहरे का राज हम हैं। ऑफ कोर्स। घड़ी तो दो। वो फाइल किसकी है? एक बात बताऊं? आज तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अच्छा शो, तुम से कुछ छुपाने ही है? ये तो किसी की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। किस बच्चे की है ये? अंजलि क्या हो रहा है ये? पहले शॉपिंग बैग, अब सोनोग्राफी रिपोर्ट। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है यूं लोगों पर भरोसा नहीं किया करते। तो तुम्हारी कुछ लगती है नहीं ना? थैंक गॉड वो अमनी का नाम नहीं पढ़ पाए। मैम जर्नलिस्ट आ गए हैं। शूट शूट, यह खबर आपको कहां से मिली ये मैं नहीं जानती, बट दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि दोनों भाइयों ने एक ही प्रोजेक्ट के लिए बिड किया है। पर हमने तो ये सुना है कि दोनों भाइयों में आपस में दुश्मनी है, आई मीन फैमिली फ्यूड। वेरी गुड, तो फिर देर किस बात की है? छाप दीजिए ना, कुछ बातें हैं जो नहीं की जा सकती। दैट बी ऑल। वन सेकंड मैम, एक फोटोग्राफ प्लीज। बिना फोटोग्राफ के इंटरव्यू ऑथेंटिक नहीं लगता। आपके ऑफिस में अगर धनराजगिर फैमिली की फोटोग्राफ्स नहीं है तो न्यूज़पेपर बंद कर दीजिए। मैम फोटोग्राफ्स तो है लेकिन पता नहीं वो कितने पुराने हैं, आप देख लीजिए। जिंदगी में सही चॉइस करना बहुत जरूरी होता है। सही फोटोग्राफ चुनने में मैं आपकी मदद करूंगी। That's all. ये प्रपोजल एक बार फिर चेक करना पड़ेगा। I'm not too happy with the numbers and गृह लक्ष्मी आपको बुला रही है। हाँ एक बार ये प्रपोजल चेक कर लो। क्या करी हो? अब फिगर्स वगैरह छोड़ दीजिए ना, फ्लावर्स की बातें करते हैं। तुम फूल माला पति बना रही हो? वेरी स्लो, यू गाइस आर वेरी स्लो।
अच्छा तो तुम लोग करके दिखाओ। एक मिनट, तुम लोगों से क्या मतलब? मतलब तुम लड़के। हम 5 मिनट में कर सकते हैं। ये लैपटॉप से नहीं, हाथ से करना पड़ेगा। अभी बताता हूँ। हाथों से ना? क्या कहा तुमने? हाथों से। अरे दिव्या, ये लो, हमारी टीम कमजोर पड़ रही है। अरे अरे विराज, ये क्या रहा है यार? मार ना यार। रमुना चलो, तुम लड़कियों की टीम में हो। What's all this लड़का लड़की? फूलों से होली खेलनी थी तो। अरे मैं तो बस वो। नहीं नहीं, फूलों से होली खेलनी चाहिए, अच्छा लगता है, खुश रहो। सी हाउ नाइस दिस इज लुकिंग। वैसे इतना कह रही थी कि अगर रोजेस इस्तेमाल करते तो अच्छा लगता। I'm sure ये अंजलि का आइडिया होगा गेंदे के फूलों से होली खेलने का। अंजलि, तुम और तुम्हारी ऑर्फनेज की ये क्यूट आदतें। गेट इट क्लीन इन 5 मिनट्स, दैट्स ऑल। हमने हमारे बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया है, अगर इस बिड में हम लोग हार गए तो शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे? आज तक हमारे बिजनेस में हमने ये दिन कभी नहीं देखा है। मिस धनराजगीर, आपको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग हार जाएंगे? अमन, तुम टेंस नहीं हो? टेंस होने से रिजल्ट बदल तो नहीं जाएगा। किसी और को क्या फर्क पड़ता है? हारेंगे तो सिर्फ हम बर्बाद हो जाएंगे अमन, और इसीलिए जी तुम्हारी होगी। Yes, I know, sweetheart. सिर्फ तुम जीतोगे, और तुम जीतोगे यानी कि यकीनन अश्मित की हार होगी। Hence it is proved कि बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। No ties, no strings attached. Wonderful. अमन, जितना तुम्हें लग रहा है उतना आसान नहीं है ये। अरे 775 करोड़ बेट करने की वो सोच ही नहीं सकता। पता नहीं अमन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अश्मित जानता है हम कितने की बेट कर रहे हैं। उसे सब कुछ पता है हमारे बारे में। जैसे हमारे घर से ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। थैंक गॉड, कम से कम आपने मुझे कभी घर का नहीं माना। रिलैक्स एडी, बिजनेस के निटिग्रिटीज में जानता हूं, 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अंजलि, एक मिनट। एक बात याद रखना अंजलि, जब कोई आदमी
कुछ चीजें छुपा कर करता है तो उसे कोई निशानी पीछे छोड़नी नहीं चाहिए। चांद को गुड नाइट कह के नहीं सोए थे क्या? बीच रात उठ के चले आए गुड नाइट कहने। आज तक तुम्हारे अलावा कभी कुछ इतनी बुरी तरह नहीं चाहा मैंने अंजलि। आज क्या चाहते हो? जीत। हार मुझे बर्दाश्त नहीं होगी अंजलि, क्योंकि ये हार नहीं अश्मित की मनमानी की जीत होगी। सो जाओ जानू, और हार जीत का फैसला भगवान पे छोड़ दो। अगर इस बार कोई भी गलत फैसला हुआ तो मैं भगवान से नाराज हो जाऊंगा। उधर जाके देखो सारा सामान आ गया पूजा का कि नहीं। हाँ दाई माँ, कढ़ी चावल बनवा दिए? हाँ भाई हाँ, सब बनवा दिया और अश्मित की पसंद का हलवा भी बना दिया। ओह मुझे बहुत घबराहट हो रही है दाई माँ। अच्छा ना, थोड़ी सी घबराहट मुझे भी दे दे। मैं कह रही हूँ ना, पूजा में कुछ कमी नहीं रहेगी, सब ठीक होगा। आज अगर दोनों भाई एक साथ पूजा में नहीं बैठेंगे ना तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। अरे बहू रानी, भगवान ने चाहा तो दोनों भाई। क्या दाई माँ, आजकल पता नहीं भगवान को क्या हो गया, मेरी कोई बात नहीं सुनते। तुझे वो अपना जो मानते हैं इसलिए। मैं तो बस अपने बचपन की उस तस्वीर को दोबारा बनाना चाहती हूँ जो मैं ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में बनाती थी। मेरा परिवार, मम्मी होती थी, डैडी होते थे, बहन भाई, पूरा परिवार होता था। आज मैं वो सचमुच के लोगों के साथ बनाना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ चाहे अमन कुछ भी कहे, उनके दिल में भी ऐसी एक तस्वीर है। तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी बहू रानी। अच्छा मैं किचन में जाकर देखती हूँ सारी तैयारियां पूरी हुई कि नहीं। जी हा? और मैं यहाँ की। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता है भाई तो नहीं चाहिए मुझे भाई। अंजलि आज के बाद अगर तुमने अश्मित का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरे ही अपने खून ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है एंड आई विल नेवर फॉरगिव हिम फॉर दैट। अश्मित की शादी हो गई। प्लीज मैं अश्मित के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। अमन तो ऑलरेडी बिड कर चुके हैं। तुम्हें उनके अमाउंट पता है? 775 crores। मुझे ऐसा लगता है कि अश्मित जानता है हम कितने की बेड कर रहे हैं, जैसे हमारे घर से ही कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो। आज तक तुम्हारे अलावा कभी कुछ इतनी बुरी तरह नहीं चाहा मैंने अंजलि। आज क्या चाहते हो? जीत। दोनों भाइयों के मिलने से पहले अगर अमन ने ये देख लिया तो मुझे गलत समझेंगे।